जनरल ओबीसी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के बयान पर आपत्ति जताते हुए एससी एसटी कर्मचारी एसोसिएशन ने यहां कैंडल मार्च निकाला। संगठन ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के विरोध के बहाने कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर रहे हैं। कहा कि अनर्गल बयानों के चलते संविधान की मर्यादा को भी चुनौती दी जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। संगठन ने दीपक जोशी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो अदालत की शरण भी ली जा सकती है। एससी एसटी कर्मचारी संगठन ने जिला पंचायत से एसबीआई तिराहे तक कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारी आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सर्वप्रथम तो जो हमारा आज कैंडल मार्च है, ये किस उद्देश्य से लिया गया है या किस कारण पर इसको जो है हमें जो है आना पड़ा यहाँ पे, कि 2 मार्च 2020 को जो जनरल ओबीसी फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के द्वारा ये एससी एसटी समाज ओबीसी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक, अशोभनीय और अकल्पनीय और बड़ा जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से और जातिगत विद्वेष के कारण जो ये उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई, और इसकी जो है हम सभी जो है एससी एसटी प्लस फेडरेशन, शिक्षक एसोसिएशन और तमाम सहयोगी संगठन, अम्बेडकर जनजागृति मंच, वाल्मीकि महासंघ, शिल्पकार सभा आदि तमाम जो भी महिला शक्ति के लोग हैं, तमाम संगठनों से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। हम उस बयान की और उस जातिगत टिप्पणी की, उस मानसिकता की घोर जो है निंदा करते हैं, कटु आलोचना करते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है जो समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं या जिन्होंने जिनकी वाणी जो है इस समाज के लिए घातक है, बल्कि मैं ये कहता हूँ केवल एस सी एस टी ओ बी सी समाज को ही नहीं बल्कि सामान्य समाज को भी उनकी जो है वाणी का जो है उनके वक्तव्य का निंदा करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से जो है सामाजिक ताना बाना खराब होता है, सामाजिक समरसता, सौहार्दता, भाईचारा जिस प्रकार से हमको रहना चाहिए, ऐसे जो है बयान इस समाज में जो है विष घोलने का काम करते हैं। और दूसरा जो ये उन्होंने टिप्पणी की कि ये एस सी एस टी समाज के लोग सामान्य रूप से पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, सिग्नेचर करना नहीं जानते, ये क्या ऑफिस में बैठ करके हमारे हड़ताल में जाने से काम क्या काम कर लेंगे, ये 21वीं सदी में इस प्रकार की बात किसी एक अनपढ़ व्यक्ति भी, जो गंवार व्यक्ति भी नहीं कह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो सचिवालय संघ में इतने बड़े फेडरेशन का अध्यक्ष है, वह उनकी अशिक्षितपना, उनकी नासमझी, उनकी अज्ञानता, उनकी अदूरदर्शिता, उनकी गलत मानसिकता और मानसिक विकृति जो है इसमें झलकती है। तो हम उस बात को लेके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ऐसा बात कहना जो है उनके लिए स्वयं में कलंक है, और उसी विरोध स्वरूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारा जो कैंडल मार्च है शांतिपूर्वक है, हिंसात्मक है, और भाईचारे के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और सभी के साथ समानता के व्यवहार के साथ हम बात करेंगे। और जो है ये मुख्य बाजार से हमारा जो है एसबीआई तिराहे पर जा करके ये जो है सामान्य संबोधन के साथ वहीं पर समापन होगा। और दूसरी ओर हमारे जितने भी जो है फेडरेशन के, ये पूरे जनपद उत्तराखंड के 13 जनपद में इस प्रकार के जो है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में और गढ़वाल में, हल्द्वानी में, जहाँ कहीं भी जो है सी एस टी एम्प्लॉयज फेडरेशन या तमाम संघ के लोग हमारे काम कर रहे हैं, वो एक साथ इस मशाल जुलूस को निकाल लें। वो इसलिए कि तमाम जनपदों से, तमाम जगहों से उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र एसपी को लिखे गए हैं, मुख्य सचिव को लिखे गए हैं, शासन प्रशासन के अन्य लोगों को लिखे गए हैं, सी एस टी आयोग को भी जो है चिट्ठियाँ गई हैं, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में अभी तक उन पर जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कानूनी जो है कार्रवाई उन पर जो है होनी चाहिए। आज हमारी जो ये कैंडल मार्च है, ये इस प्रकार का है कि हम दुखी हो रहे हैं, अंदर आत्मा से इतने दुखी हो रहे हैं कि जिसे हम भाई मानते हैं, जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, जो हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, और वो हमें आज हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हमको इंसान ही नहीं समझ रहा है, और यहाँ तक इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि ये लोगों से कुछ नहीं होता है। अगर हमसे कुछ नहीं होता है तो आज तक का जो काम किया किसने किया हो, जो संविधान बनाया किसने बनाया, वो कह रहे कि तुमको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, हस्ताक्षर करना नहीं आता है, तो राष्ट्रपति कौन है भाई?
जो तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है तो समाज में बोलने लायक तुम्हें। मैंने सुनने में आया है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, सुनने में आया है कि वो मृत आश्रित में लगे हुए हैं। वो किसने दिया है? बाबा साहब की देन है जो उनको नौकरी मिल गई, और वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है, बड़ा दुख होता है। और हम भाई मानते हैं और वो हमको भाई मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारी एक पीड़ा है, इसलिए हम अपने जन समूह में बड़े शांति भी हैं हम, क्योंकि हम अनुशासित लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम कहीं पर भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज को ठेस पहुंचे, या समाज को कहीं से कहीं तक कोई जाति विशेष कोई व्यक्ति विशेष हमारा कोई लेना देना नहीं है। केवल उस व्यक्ति की बात से हमें पीड़ा पहुंची, इसलिए हम एक मौन जुलूस के रूप में निकाल रहे हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये 21वीं सदी में भी आप ऐसे घृणित मानसिकता के व्यक्ति अभी भी जीवित हैं जो मनु की स्मृति से चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं ऐसा कहूँगा, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप माफ़ी मांगें सार्वजनिक रूप से, नहीं तो आपके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो करने को बाध्य होंगे, और हम भी FIR करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।